दूध कितना देती थी? ये पहले ब्यात की भैंस है, ये पहले ब्यात में 10 लीटर दूध बच्चा छोड़ने के बाद दी है। 5 महीने तक तो एक रेस में दूध देती है, उसके बाद दूध कम होता है, फिर 10 महीने तक दूध देती रहती है। अगर इसका 1.5 लाख रुपए मिलेगा दे देंगे। तो किसान भाइयों, आज हम एक किसान के पास आए हैं, उनके पास गाय भी हैं और भैंस भी हैं और काफ़ी अच्छी नस्ल की भैंसें भी हैं उनके पास। हम इस पास आए हैं और फिर उनसे आज बात करेंगे किस तरीके से उनकी भैंस को कितना चारा लगता है, कितना खर्च लगता है। आज के टाइम में किसान भाई जो हमारे जैसे नौयक लोग हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस पे जोर दे रहे हैं, तो गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन और सब्जी खेती इसी पे जोर दे रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और देखेंगे हमारे पीछे जो है यहाँ पे 4-5 भैंसे भी हैं, एक अच्छी नस्ल की भैंसे भी हैं और उस साइड में देखेंगे कि वहाँ पे 4-5 गाय भी रखी गई हैं। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि किसान भाई से हम बात करने के बाद ये पता करेंगे कि सबसे ज़्यादा फायदा किसमें, गाय में है या भैंस में है। तो इसी टॉपिक पर पूरी ये वीडियो होने वाली है, आप वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब वीडियो को ले चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं हमारे किसान भाई का फार्म है, देखेंगे गांव में जिस तरीके से पक्की चंडी तो देखी जाती है, बहुत कम देखने को मिलती है। हमने आपको दिखाया था कि कुछ दिन पहले एक किसान भाई के पास गया था, तो उनके पास पक्की चंडी, लेकिन उनके फार्म में एकदम 12 भैंसें थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल भी रही थी। यहाँ देखेंगे करीब ये जो भैंसों का यहाँ पे बैकअप है, इनके पास सभी भैंस जो दिखाई पड़े कि हाइट करीब 4.5 फीट के आसपास हैं। और तो किसान भाई, हम किसान भाई के पास आ गए हैं, किसान भाई से बात करेंगे उनके पास कौन सी नस्ल की भैंसें हैं और कौन सी नस्ल की गायें हैं और किसमें ज़्यादा फायदा है, किसमें कम फायदा है, सारी जानकारी वीडियो में मैं लेने वाला हूँ। सबसे पहले अंकल जी, आप अपना नाम बता दीजिए। रामचंद्र दुबे, गांव डड़वा जी। अंकल जी बताइए, आपको ये जो है भैंस फार्मिंग करते हुए, काउ फार्मिंग करते हुए कितना टाइम हुआ है? टाइम तो जी किसान है तो पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, लेकिन भैंस 10-12 साल से भैंसे हैं जी। तो किसान भाइयों देख रहे हैं हमारे अंकल जी के पास 10-12 साल से भैंसे, पीढ़ी दर पीढ़ी, कहने का मतलब ये है कि गांव में लगातार जो है बहुत दादा बाबा के ज़माने से पशुओं को पालना बहुत ही शुभ माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा उन्हीं से जो है पैसे की अर्निंग होती है। लेकिन आज के टाइम पे जो है कुछ दूध का रेट तो मिलने लगा, पशुओं का भी रेट मिलने लगा, उस पहले के टाइम में रेट नहीं मिलता था। तो अब धीरे धीरे क्या है, नौकरी तो मिलना संभव नहीं, जो छोटे नवयुवक किसान हैं तो ज़्यादातर जो है गाय फार्मिंग और भैंस फार्मिंग पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अंकल जी बताइए कि आप जब इतना टाइम से आपको जब से आप पीढ़ी दर पीढ़ी की बात छोड़ दी, जब से आप 15 साल से बफेलो फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी नस्ल की भैंसों को लेके आया? भैंस एक ही परिवार के, सब मुर्रा नस्ल के सीमन की भैंसे हैं, एक ही परिवार की भैंसे हैं, वहीं से। अब हमारे पास 5-6 भैंसे हो गई हैं, 2 भैंस पिछले साल बिक गई थी जी। तो हम देखें कि आपकी जो भैंसों की हाइट है काफ़ी करीब जो है हम देखेंगे ये 4.5-4 फीट की लगभग हाइट सब भैंस की दिख रही है। ये तो मान लो पहली बार बच्चा करने वाली है, ये तो 10-12-15 दिन में बच्चा कर देगी। और उसके बाद इसके बगल में ये दिख रही है हमको, ये जो भैंस दिख रही है कैमरा मैन से गुजार के एक बार इसको दिखा दें, तो ये देखेंगे बहुत दुबली पतली दिखाई पड़ रही है। ये दूध दे रही है और बीमार पड़ गई थी बीच में दूध। अच्छा, ये बताइए इसका एक दिन का दूध कितना देती थी? ये पहले ब्यात की भैंस है, ये पहले ब्यात में 10 लीटर दूध बच्चा छोड़ने के बाद दी है। तो किसान भाई देख रहे हैं कि ये जो भैंस ये देख रहे हैं आपको दुबली पतली तो दिखाई पड़ रही, लेकिन ये पहले ब्यात में, कहने का मतलब किसान भाई की 12 लीटर के परी दूध दिया इसने और उसके बाद ये बच्चे को पिलाने के बाद 10 लीटर दूध घर पर आया। तो इसमें जो है मार्केट में अपने यहाँ जो दूध का रेट चल रहा है आपके यहाँ? भैंस का दूध 40-50 रुपये तक मिल जाता है। और गाय का? गाय का 25-35 रुपये। तो किसान भाई देख रहे हैं दूध के मामले में भैंस तो कम दूध देती ही है, लेकिन जो दूध का रेट होता है गाय के अपेक्षा ज़्यादा रहता है हमेशा। और जब हम देखते हैं कि गाय में एक प्रॉब्लम हमको ज़्यादा देखना पड़ता है, जैसे कि जब गाय बच्चे करते हैं उनके बछड़े को आज के टाइम में कोई मांग नहीं है, मार्केट में मांग नहीं, उनको जो है आवारा सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है। उस हिसाब से भैंसों, भैंस के कटरे पड़वा हुआ या पड़िया हुई, उनकी हर जगह मार्केट में मांग है। हाँ, भैंस का दूध, भैंस का घी, भैंस के बच्चे सब अच्छे पैसे देते किसान को, अच्छे पैसे की मात्रा में जाता। और ये बताइए कि जो डेली का इनका खर्च आता है? हाँ, निकल आता है दूध से, घी से,
उनके निकल आता है। भैंस अधिक टेम्परेचर सह भी लेती है, गाय अधिक टेम्परेचर में नहीं रह सकती अच्छी नस्ल की गाय जी। और ये बताइए अंकल जी, जब हम कोई किसान भाई जिसे नवयुवक हुए जी, अगर ये बफेलो फार्मिंग करना चाहते हैं तो एक बार में कितनी पूंजी लगा के स्टार्ट करें, उसके बाद जो है अब आज के समय में भैंस अच्छी नस्ल की भैंस लाख डेढ़ लाख की तो उपलब्ध करानी ही होगी। और उनका डेली का खर्च जो है, अगर जैसे यहाँ गांव में तो मान लो हरा चारा मिल जाता है, गांव में हरा चारा भूसा चारा गा लेके जा सकते हैं लेकिन ये दाना मिनरल का जी 150-150 रुपये खर्चा ही जाता है अच्छी दूध पीरियड में जी। किसान भाई देख रहे हैं एक गाय का एक भैंस का जो कहने का मतलब है अंकल जी का 100-150 रुपये एक गाय भैंस का डेली का खर्च आ जाता है। और अगर फ्री रेंज में क्या होता है, फ्री रेंज में हम मार्केट में इनको ले जाएंगे चारागाह पे चराने के लिए ले जाते हैं तो उससे थोड़ा क्या होता है हम और बचत हो जाता है। लेकिन अगर आपको दाना नहीं देंगे तो आपको जो आज के टाइम में डेयरी चली गई आपके दूध का फैट नहीं आता है, फैट ना आने के कारण से उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। इस हिसाब से अगर आपको फैट लाना है तो आपको कुछ ना कुछ दाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, पशुओं को दूध के हिसाब से अगर गांव में 2 किलो दाना भी 1 लीटर पे दे दिया जाए जी तो बहुत है। तो ये बताइए कि अगर एक बार जब ये कोई भैंस जैसे कि आपकी ये भैंस है अभी पहली बैच में बच्चा करने वाली 10-12-15 दिन में बच्चा कर देगी ये, फिर उसके बाद जैसे कि इसका तो आपको अनुमान हो गया होगा एक बार बच्चा कर दी तो ये लगातार कितने मंथ तक दूध दी? अब भैंस लगभग तो 5 महीने तक एक रेस में दूध देती है, उसके बाद दूध कम होता है, फिर 10 महीने तक दूध देती रहती है और गाभिन हो जाती है बीच में। तो किसान भाई देख रहे हैं, किसान भाई से बात करेंगे, ये इनके पास जो भैंसे हैं रखे हुए हैं 4-5 भैंसे जो है, अगर पूछेंगे सेल करने लायक उनके, अगर ये सेल कर रहे हैं तो भैंस तो इसमें से बात करेंगे, अगर कोई लेना चाहते हैं तो इनके आके मिल के ले भी सकते हैं अगर आपको पसंद आए। अगर आप क्या अंकल जी ये भैंस जो है आप सेल करना चाहेंगे? हाँ, अगर इसका 1.5 लाख रुपये मिलेगा दे देंगे। तो किसान भाई देख रहे हैं जो भैंस ये देख रहे हैं, किसान भाई ने इसका जो है दाम रखा 1.5 लाख रुपये है। और भैंस देखेंगे तो गांव में ये चारागाह के लिए जाती हैं जो तालाब में होता था, वहाँ पे पानी में लौटने की वजह से इसमें देखेंगे थोड़ी गंदी आपको दिखाई पड़ रही, लेकिन गांव में ऐसी रखी जाती हैं, बरसात का टाइम भी चल रहा है। और फिर अगर आप लेना चाहते हैं इनसे परचेज करना चाहते हैं तो आके इनके घर पे आप परचेज कर सकते हैं और मैं इनका सारा एड्रेस आपको दे सकता हूँ। और किसान भाई अगर आप जो है एक डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, बफेलो फार्मिंग करना चाहते हैं तो अगर दूध के पर्पज से करना चाहते हैं तो आपके लिए गाय बेटर है। अगर आप जो है दूध और प्लस जो है भैंस के दाम दोनों पैसा लेना चाहते हैं तो उसमें आपको भैंस में ज़्यादा प्रॉफिट देने को मिल जाएगा। भैंस में क्या है, उनके बच्चे भी पैसे मिल जाएंगे, भैंस का भी पैसा मिल जाएगा, दूध अच्छे रेट में चला जाएगा। और गाय में क्या है, गाय जब तक दूध देंगे तब तक उनका रेट मिलता है, उसके बाद तो रेट नहीं मिलता है। और अंकल जी बताइए कि आपने जो गाय हमने देखा आपके पास जो गाय है एक गिरी नस्ल की है, सिंधी गिर तो ये सब बोलते हैं कहीं कहीं मार्केट में देखें उनके समय बहुत ज़्यादा उनका भी रेट है, उनका रेट है, दूध की लागत उनमें कम आती है, जानवर जो होते सीधे होते हैं, टेम्परेचर अधिक सह लेते हैं, फ्रीजियन होलिस्टियन के वनस्पति, तो सिंधी गाय छोटी साइज होने की वजह से कम खुराक खाती है और आसान होता है रख रखाव उसका। तो किसान भाई देखेंगे कि जो अंकल जी ने बताया तो जानकारी, आप अगर आप डेयरी फार्मर हैं आप तो नॉलेज हो ही गया होगा, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे कि अगर आपको करना है जो HF हमारे यहाँ गाय पाई जाती है, हमारे यहाँ वातावरण उनके लिए प्योर नस्ल में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वातावरण गर्मी उनके लिए कूलर AC सब कुछ चला के रखना पड़ता है, तो उतना हमारे पास बजट नहीं है कि हम उनको इतनी ज़्यादा मात्रा में सेवा कर सकें। तो अगर आपको हमारे यहाँ के वातावरण में रखना है 30-35 डिग्री सेल्सियस में अगर उनको रखना है तो आपको जो है गाय में गिरी गाय साहिवाल गाय हो गई इनको रख सकते हैं, और भैंस तो हर एक वातावरण में इनको पाला जा सकता है और सबसे अच्छा प्रॉफिट जो है भैंस में देखने को मिलता भी है। तो किसान